अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। बीआरएस एमएलसी कविता ने साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और अपने वालिद केसीआर से फार्म हाउस पहुंचकर की मुलाकात, जज्बाती मनाजिर देखे गए। कविता की जमानत पर रिहाई को बीआरएस और बीजेपी के दरमियान साजबाज का नतीजा करार देने पर केटीआर बरहम, कांग्रेस लीडरों पर की तनकीद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई द्रौपदी रेड्डी को भी हैडरा की नोटिस मिल गई, कहा अगर मेरा घर गैर कानूनी है तो इसे मुनहदिम कर दिया जाए। मुल्क में खवातीन के खिलाफ मजालिम के वाकयात जारी, मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों में उनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सख्त तनकीद। हमारी कोशिश है कि मुश्तरक मुकाबला किया जाए और बीजेपी एक भी सीट न जीते। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार कामयाब होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला का दावा। और काबिज इसराइली फौज ने गजा पट्टी में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद कर दिए, मगरबी किनारे में 24 घंटों में 18 फलस्तीनी लुख्मे अजल, जालिम इसराइली फौज की बेरहमाना कार्रवाइयां जारी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। बीआरएस एमएलसी कविता ने साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और अपने वालिद केसीआर से फार्म हाउस पहुंचकर उनसे मुलाकात की, जिनसे रिहाई के बाद ये कविता की केसीआर से पहली मुलाकात है। इस मौके पर अरकान खानदान और पार्टी लीडरान भी मौजूद थे। केसीआर ने अपनी दख्तर कविता को गले लगा लिया और इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। याद रहे कि लगभग 5.5 महीने दिल्ली शराब स्कैम में कविता को तिहाड़ जेल में गुजारना पड़ा और अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का फैसला किया, जिस के बाद कविता को रिहाई मिल सकी है। बीआरएस रुकन काउंसिल के कविता की जमानत पर रिहाई को बीआरएस और बीजेपी के दरमियान साजबाज का नतीजा करार दिए जाने पर बीआरएस लीडर केटीआर ने कांग्रेस पर सख्त तनकीदें की हैं। कांग्रेस कायदीन के बयान पर रदमल जाहिर करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस क़यादत को ये बात जहन में रखना चाहिए कि उनके चंद बड़े कायदीन की भी जमानत मंजूर हुई। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी 2015 के ईडी के मुकदमे में जमानत मिली है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हम इस बात का तस्वुर कर सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही हैं। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कविता की जमानत को मंजूर किए जाने के बाद चंद कांग्रेस कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये बीआरएस और बीजेपी के दरमियान साजिश का नतीजा है। नागर कर्नूल के रुकने पार्लियमान बलू रवि ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के तमाम अजला में झीलों के तहफ़ की कमेटियाँ कायम करें ताकि आबी ज़खायर का तहफ़ किया जा सके। बलू रवि ने तालीमी इदारों की इमारतों के इनदाम पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मांग की कि तालीमी साल ख़त्म होने तक इन्हदामी कार्रवाई रोक दी जाए। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैडरा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने हल्का असम्बली मुशीराबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने मुकामी अवाम की शिकायतों का शख्सी तौर पर जायजा लिया। मुकामी लोगों ने अपनी शिकायतों में गैरवजह तामीरात का इल्ज़ाम लगाया। कमिश्नर रंगनाथ ने उद्यारों के हमरा मुकामी अफराद की शिकायतों की समाअत की। मुकामी लोगों ने कहा कि रामनगर चौराह पर मानिमा गली में नहर पर कब्जे जात किए जा चुके हैं, नाले पर गैरमजाज कब्जों से मानिमा गली की सड़क तन हो गई, हर वक्त बारिश के सबब नाले का सैलाबी पानी घरों में दाखिल होता है, जिसकी वजह से घरों में मुकीम लोगों को नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना है। रंगनाथ ने जीएचएमसी, टाउन प्लानिंग और महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों को इन शिकायतों का तफसीली जायजा लेने की हिदायत दी और कहा कि इस बात का जायजा लें कि कौन सड़क पर गैर मजाज तामीरात में मुलविस है, ताकि इन गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कराया जा सके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई द्रौपदी रेड्डी को भी हैडरा की नोटिस मिली है, जिस पर उन्होंने अपना रद्दअमल जाहिर किया। दुर्गम चरुले के करीब मादापुर अमर सोसाइटी के राजी पर तामीर करदा मकान के 30 दिनों के अंदर इन्हदाम का अंदेशा है। द्रौपदी रेड्डी ने कहा कि जब तामीर की गई तो वो कवायद से वाकिफ नहीं थे, अगर ये गैरकानूनी है तो इसे गिराया जाए। उन्होंने कहा कि वो अपना सामान निकालेंगे ताकि इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जा सके। दो पहले ओनर बाजाब्ता परमिशन लेके घर बनाया, घर बनाया तो घर मैं खरीदा। उसके बाद में जब ये एफटीएल में या नदी में बफर जोन में वो सब कुछ मैं जानता नहीं। जब मैं पेपर्स लिए, एडवोकेट को दिया, सब सही है बोले, मैं घर खरीदा। अब नोटिस मिला तो नोटिस पे गवर्नमेंट क्या करेगा? नोटिस अभी आपको जो मिला है किस चीज पे और किस बिना पे मिला है और आगे आप ये बफर जोन में बोल के मिला है या फिर एफटीएल में मिला है, किस चीज पे मिला? वो बफर जोन में है बोल के बोल रहे लोग, नोटिस में भी वही है।
कितना है सर ये पूरा जो आपके प्रॉपर्टी पर एफ नहीं मार्क किया गया है, दूसरे जितने प्रॉपर्टीज है? मेरा 600 यार्ड्स है, मेरा 600 यार्ड्स, ये वाल्टा एक्ट से पहले लेआउट बनी सर, वाल्टा एक्ट बनाने के बाद कुछ वो लोग क्या कर लिए मुझे पता नहीं, अभी देखना है। सर अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे, एक तरफ ये सवाल उठ रहे हैं कि कोई अधिकारी अभी तक मुझे नहीं मिला, मेरे से बात नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर को क्या कहेंगे सर? तो आपके भाई है, एक पर्सनल आपका रिलेशन एक है और दूसरा वो एक मिनिस्टर, वो मेरे अकेले के लिए काम नहीं कर रहे, सब लोगों के लिए कर रहे, वो तो करने हैं अधिकारी करने हैं, सीएम क्या करेंगे, क्या कहेंगे सर? ये डेमोलिशन में आप मदद करेंगे अगर बफर जोन में आता है तो? डेमोलिशन तो करना ही पड़ेगा, लीगली कुछ इलीगल काम करा तो लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा ना, तो आप कार्रवाई के लिए रेडी है? रेडी है। अगर घर और दूसरे प्रॉपर्टीज भी इस चीज की जब्त में आ रहे हैं और खास करके आपके प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिन से चर्चा चल रही है, बीआरएस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, ड्रोन विजुअल्स लगा रहे हैं, सैटेलाइट विजुअल्स लगा रहे हैं, बीआरएस लोग मेरे को लेके ये सब कालनी वाले को वो तो मुसीबत में पड़ा दिए, जो मागर मई नहीं है तो इधर तरफ कोई देखने वाला ही नहीं रहता है? ये तो मई बनाए सो नहीं है, मैं लेआउट नहीं बनाया, मैं इलीगल को नहीं बनाया। वजीर सेनेट डी श्रीधर बाबू ने कहा कि 50,000 नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाएगा, इस तरह वो दुनिया में जहां चाहे मुलाजिमत हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों को रोजगार फराहम करने के अपने वादे की पाबंद है। रियासती वजीर सियाहत और सकावत जुपली कृष्णा राव ने थाईलैंड में बहरुल काहिल एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के एक इजलास में शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना में सियाहत का शोबा दुनिया को नई राहें दिखा रहा है। जुपली कृष्णा राव ने ट्रैवल मार्ट में तेलंगाना के महकमे सियाहत की जानिब से कायम करदा खसूसी स्टाल का इफ्तिताह भी इस मौके पर अंजाम दिया। मरकजी हुकूमत ने ज़हीराबाद में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कायम करने का फैसला किया है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में जिन 12 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है इनमें ज़हीराबाद का प्रोजेक्ट भी शामिल है। निज़ामिया तिबी कॉलेज हैदराबाद के पोस्ट ग्रेजुएट तलबा और तालिबात की जानिब से आज बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया और 7 महीने से तातुल का शिकार स्टाइफंड जारी करने की मांग की गई। इस हड़ताल की वजह से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में मामूल के कामकाज मुतासर होने की इत्तला मौसूल भी है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शहर हैदराबाद के एक वफद ने हाफिज हमादुद्दीन सदर एसआई हैदराबाद की क़यादत में 9 मुंतखबा MLCs जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर नमा सियासत और प्रोफेसर कोदंडाराम से मुलाकात की। वफद ने दोनों रहनुमाओं को MLC के तौर पर तखरुर की मुबारकबाद दी और अपनी जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन मुलाकातों के दौरान वफद ने कई मसाइल पर गुफ्तगू की जिनमें तलबा के स्कॉलरशिप, वक्त तरमीमी बिल, तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के इदारों से मुतालिक उमूर शामिल हैं। आमिर अली खान साहब और प्रोफेसर कोदंडाराम दोनों ने वफद को यकीन दिलाया कि वो तमाम मुमकिन मौके तलाश करेंगे ताकि अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की जा सके और इस बात को यकीनी बना जाए कि तमाम मसाइल हल हो जाएँ। हाईटेक हैदराबाद में इलेक्ट्रिक एक्सपो का शानदार और बड़े पैमाने पर इफ्तिताह अमल में आया। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने इसका रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर MLC आमिर अली खान को भी बतौर ख़ास इस प्रोग्राम में मदु किया गया था। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी के मुताबिक इस एक्सपो में लाइट्स, LED, सोलार और मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक अशिया का डिस्प्ले मौजूद है। इस मौके पर डी श्रीधर बाबू और आमिर अली खान ने तकरीब से खिताब भी किया। But I'd like to add taglines to the to my whatever words I'm speaking. All I could say is, when you said you have a Pan India exhibition here in Hyderabad with 180 delegates or 180 exhibitors, I would like to say that Hyderabad is the heart of India. So when you have Pan India exhibition here, you should have your presence felt in Hyderabad. So I request, Minister here, you would like to speak more on the industry and the incentives being given by the Telangana government. All I would say is you have young people here, young organizers. Today is the time when Telangana is growing. We have the fourth city here. Next month, the Honorable Minister is going to inaugurate AI exhibition also. So I think Telangana is the hub of innovation, IT, and the real estate also when we talk of
So I think this is the time where the people, the exhibitors here who have come all the way from India, you need to think, rethink your strategy and make Telangana the hub of your industry, where the real estate is growing at a phenomenal pace. We have IT and AI here. We are the hub of pharmaceutical companies, and I think we will be the best state providing most conducive atmosphere for the industry here. So keep an eye on Telangana and you can set up your industry here. With this, I think I thank all the organizers here, and we have the Honorable Minister who will speak more on what you can get when you come to Telangana. You know, my colleague, Honorable Member of Legislative Council, Amir Ali Khanji, and we have two important leaders who contribute much to this CETA. One, Mr. Shekhar Reddy from Confederation of Indian Industry, and my good friend Mr. Raj Shekhar Reddy from CREDAI. On the dais, Mr. Raj Shekhar Reddy and also Mr. Aditya Gowra. And of the days, the leaders of CETA and friends from the media, a very good afternoon. As people have gathered here from all parts of our nation, it's Pan-India event. I'm really thrilled to see, when I've been called for this occasion by a senior journalist who's sitting here. She is young in her work. She is Ratna. She is young at her work. She keeps on working very hard. In fact, I thought of mentioning this basically because yesterday, day before yesterday, she was behind me not to go to my constituency to attend this program. And you know, all youngsters over here who are the part of this CETA, who are having a vibrant energy to see this happens. Just now, you know, Shekhar Reddy Garu was telling about, I never expected this sort of a show by these youngsters. And in fact, you have done a great show. You showcased the Telangana to all parts of India. I really appreciate all your efforts. And you and your families all together over here gives lots of credence to your profession and to your professional commitment. I congratulate you on and your team members who made this possible. सिरसिला ज़िला में पुलिस ने देसी साख्ता बंदूकें तैयार करने वाले एक शख्स और इन बंदूकों को जंगली जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करने वाले दीगर तीन अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। ज़िला के गंभीरावपेट मंडल से ताल्लुक रखने वाला शंकर नामी शख्स देसी साख्ता बंदूकें तैयार करते हुए जंगली जानवरों के शिकारियों को फरोख कर रहा था। पुलिस ने शंकर के घर पर छापा मारा, जहाँ वह मुख्तलिफ औजारों से बंदूकें बनाता हुआ पकड़ा गया। इसके पास से बंदूक के दो बैरल और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार भी जब्त कर लिए गए। इसके साथियों चंद्रमौली, हरीश और गंगया को शंकर से बंदूकें खरीदने और जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार किया गया। हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सादत के मुताबिक पुलिस ने बताया कि चार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिमांड कर दिया गया। इलारेडी पेट सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास, गंभीराव पेट SI राममोहन की जानिब से इस कामयाब सुराग लगाने और चालाकी के साथ काम करने पर जिला SI अखिल मजीजन ने मुबारकबाद दी। जब्तशुदा हथियार के मुआयने के मौके पर DSP चंद्रशेखर रेड्डी, CI श्रीनिवास, SI राममोहन और दीगर भी मौजूद थे। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा पड़ोसी अजला मिर्चल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, वकाराबाद, मेदक, संगारेड्डी, यदादरी, भोंगी, नलगुंडा और सूर्यापेट इलाकों में
30 अगस्त तक 2 सितंबर के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई। खानगी माहरीन ने मौसमियात की जानिब से की गई पेशकयासी के मुताबिक शुमाली तेलंगाना के अजला में मूसलाधार बारिश से सैलाब जैसी सूरत हाल का अंदेशा है। इस पेशकयासी के सिलसिले में सरकारी महकमे मौसमियात की जानिब से बाकायदा इंतबाह जारी नहीं हुआ, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से महकमे मौसमियात की जानिब से 5 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया। शहर के बाद इलाकों में आज शब बारिश की इत्तलात मौसूल होती रही। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क में ख्वातीन के खिलाफ मजालिम के वाकयात बारहा हो रहे हैं और मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों में इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए इस सिम में सबको मिलकर काम करने की अशद ज़रूरत है। खड़गे ने कहा कि हमारी ख्वातीन के साथ होने वाली कोई भी नाइंसाफ़ी नाकाबिल बर्दाश्त, तकलीफदा और काबिल मजम्मत है। हमें बेटी बचाओ की नहीं, बेटी के लिए मसावी हकूक को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। ख्वातीन को तहफ़ नहीं, खौफ से पाक माहौल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हर घंटे में ख्वातीन के खिलाफ 43 जराइम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। रोज़ाना 22 जराइम ऐसे हैं जो हमारे मुल्क के सबसे कमज़ोर दलित कबायली बरदारी के ख्वातीन और बच्चों के खिलाफ दर्ज होते हैं। ऐसे बेशुमार जराइम हैं जो दर्ज नहीं होते, डर से, खौफ से और समाजी वजूहात की वजह से। उन्होंने कहा कि आईन ने ख्वातीन को बराबरी का दर्जा दिया। ख्वातीन के खिलाफ जराइम एक संगीन मसला है। इन जराइम को रोकना मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। हम सबको एक साथ आना होगा और माशरे के हर तबके को साथ लेकर इसका हल तलाश करना होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी कोशिश है कि मुश्तरका मुकाबला हो और बीजेपी एक भी सीट ना जीते। उन्होंने कहा कि कश्मीर असम्बली इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार कामयाब होंगे और अवामी मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर कौन बनता है ये 4 अक्टूबर के बाद ही तय होगा। इस असम्बली में मेम्बर चुने लेकिन मैं इस असम्बली को नहीं मानता। जो ये लोग ये बात करते हैं उन्हें तो अपने रिश्तेदार खड़े किए। जो मेरे खिलाफ ये इल्जाम लगाते हैं, किसी ने बेटा, किसी ने बेटी, कोई ना कोई तो रिश्तेदार उन्होंने रखा। अगर वो अपने ही प्रिंसिपल्स के इतने बड़े पाबंद हैं तो फिर तो उनको पूरी तरह से इससे बाहर रहना चाहिए था। खुद बाहर रह के किसी रिश्तेदार को रखने का क्या फायदा। मैं मान के चलता हूं कि फिलहाल इस असेंबली में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत होनी चाहिए, लेकिन हम इस असेंबली के जरिए ही इस असेंबली को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। उमर साहब, मोदी जी ने कहा था कि जो मतलब आने वाला सीएम होगा वो एक चपरासी की भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो उसके बारे में देखो मैं इसमें नहीं जाऊंगा। उमर साहब, आज यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा है, हमने एमएलए बनाने हैं। एमएलए बनने दीजिए ना, अब उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन बनता है वो 4 अक्टूबर के बाद तय होगा। रशीद जो एनआईए है वो नहीं चाहते इंजन रशीद को बेल हो, क्योंकि कहते हैं कि ही विल इन्फ्लुएंस विटनेसेस एंड टेंपर द जो एविडेंसेस है। बेल का फैसला वोटर नहीं करता, बेल का फैसला बारामूला के वोटरों ने भी नहीं किया। कोई वोटर जो है बेल का फैसला नहीं करती, बेल का फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालत में होता है, बट एनआईए नहीं चाहती। बिल्कुल। तो और अब पासपोर्टों के हवाले से एक अहम खबर। मुल्क भर में पासपोर्ट सर्विस 5 दिनों के लिए बंद रहेगी। महकमा पासपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए इतला दी। महकमे ने कहा कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल तकनीकी देखभाल की वजह से 29 अगस्त की रात 8 बजे से 2 सितंबर की सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। अब नया पासपोर्ट लेने के लिए आपको 5 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपने पहले ही नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपको इसके लिए 30 अगस्त से 2 सितंबर के दरमियान की तारीख मिली भी है तो वो भी मनसूख हो जाएगी और बढ़ा दी जाएगी। महकमे पासपोर्ट ने एडवाइजरी में कहा कि 5 दिनों तक महकमे पासपोर्ट का कोई कामकाज नहीं होगा। और बात करेंगे फ़लस्तीन से। वज़ारत सेहत फ़लस्तीन ने ऐलान किया कि काबिज़ इसराइली फ़ौज ने गज़ा पट्टी में कानदारों के खिलाफ 4 खतरे आम किए, जिसकी वजह से मजीद 58 फ़लस्तीनी शहीद और 133 जख्मी हुए। शहदा और ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। मगरबी किनारे में 24 घंटों में ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने 18 फ़लस्तीनियों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। गुज़िश्ता अक्टूबर की 7 तारीख से गज़ा में जारी इसराइली जारहियत की वजह से 40,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लुख्मे अजल बन गए, जबकि 93,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इसराइली
इसराइली जालिम फौज गजा पट्टी पर तबाहकुन जंग जारी रखे हुए है, जिसकी वजह से अब तक कम से कम 20 लाख अफराद बेघर हुए, बुनियादी ढांचे का 70% तबाह हो गया। गजा की सख्त नाकाबंदी और मुसलसल जंग की वजह से गुंजान आबाद इलाका कहत की लपेट में आ गया। अद्वियात, पानी और खुराक की किल्लत है। आए रोज़ बच्चों और दीगर शहरियों की अमवात की खबरें आ रही हैं। दूसरी जानिब नाजायज इसराइल ने जंगबंदी की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया और गाजा में फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी कर रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। बीआरएस एमएलसी कविता ने साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और अपने वालिद केसीआर से फार्म हाउस पहुंचकर की मुलाकात, जज्बाती मनाजिर देखे गए। कविता की जमानत पर रिहाई को बीआरएस और बीजेपी के दरमियान साजबाज का नतीजा करार देने पर केटीआर बरहम, कांग्रेस लीडरों पर की तनकीद है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई द्रौपदी रेड्डी को भी हैडरा की नोटिस मिल गई, कहा अगर मेरा घर गैर कानूनी है तो इसे मुनहदिम कर दिया जाए। मुल्क में खवातीन के खिलाफ मजालिम के वाकयात जारी, मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों में उनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सख्त तनकीद। हमारी कोशिश है कि मुश्तरक मुकाबला किया जाए और बीजेपी एक भी सीट ना जीते। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार कामयाब होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला का दावा। और काबिज इसराइली फौज ने गजा पट्टी में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद कर दिए, मगरबी किनारे में 24 घंटों में 18 फलस्तीनी लुख्मे अजल, जालिम इसराइली फौज की बेरहमाना कार्रवाइयां जारी। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।